स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे इंटीग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये देखिए, आपके आगे क्लियरली विजुअल है क्वेश्चन। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस साइन 4x एंड ई टू द पावर 5x। ओके, तो लेट्स सी। वी नो द डेरिवेशन ऑफ cos 4x इज इक्वल टू बाय द एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल। ओके, चेन रूल अप्लाई करिए। चेन रूल अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos 4x इज इक्वल टू cos 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। डी बाई डी एक्स ऑफ cos 4x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 4x बाय द एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल, इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 4x इंटू दिस अगेन। ओके, तो cos 4x का डेरिवेशन है माइनस साइन 4x, एंड 4x का डेरिवेशन हम अगर करेंगे तो डी एक्स को डी एक्स टूट गया, बचा कितना 4 आगे ले जाइए तो कितना हुआ, माइनस 4 साइन 4x इम्प्लाय दैट डी बाई डी एक्स, इसी डी बाई डी एक्स cos 4x को हम यहाँ पर उतार देंगे। डी बाई डी एक्स cos 4x इज इक्वल टू माइनस 4 साइन 4x। हमने क्या कर हम क्या करेंगे, हम साइन 4x की मतलब निकालेंगे। ओके, तो साइन 4x की मतलब निकालने के लिए हम जस्ट इसको अपोजिटली लिख दिया है, माइनस 4 साइन 4x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 4x। साइन 4x का वैल्यू निकालना होगा हमको, तो क्या करेंगे, हम इस माइनस 4 को इस तरफ लेकर हम डिवाइड कर देंगे, क्या हो गया, तो ये देखिए माइनस 1 बाई 4 डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ cos 4x। हम क्या करेंगे, इस डी बाई डी एक्स को पहले पोजीशन पे ले जाएंगे, डी बाई डी एक्स पहले पोजीशन में चला गया एंड माइनस 1 बाई 4 इंटू cos 4x बच गया। ओके, तो साइन 4x का मतलब क्या निकला, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 1 बाई 4 cos 4x। तो जिस किसी भी नंबर की एंटी डेरिवेटिव पूछा गया तो हम इसी तरह ही करेंगे, और देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 cos 4x। एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x इज इक्वल टू क्या निकला, माइनस 1 बाई 4 cos 4x। क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था साइन 4x, हमने भी निकाला साइन 4x, लेकिन इसका एंटी डेरिवेटिव क्या, तो हमें क्या पता चला ना, हमें पता चला कि माइनस 1 बाई 4 cos 4x। इज दैट क्लियर। Let us move on to the next question. We know that find the antiderivative of e to the power 5x. तो हमने इसको क्या किया, डेरिवेटिव किया, d by dx of e to the power 5x is equal to d by dx of e to the power 5x into by the application of chain rule, it is d by dx of 5x again. ऊपर में एक उसका पावर में एक फंक्शन है 5x, तो उसको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा चेन रूल से। क्यों, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन है, एक है e टू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा है 5x। पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डेरिवेटिव किया, उसके बाद हम 5x को डेरिवेटिव किया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही निकल कर आता है e टू द पावर 5x। ओके, क्लियर है। एंड 5x का डेरिवेशन क्या हुआ, देखिए dx dx यहाँ पर कट गया, 5 निकल कर आगे चला आया, क्या हुआ, 5 e टू द पावर 5x। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इम्प्लाय दैट इसी नंबर को हम यहाँ पर उतार दिया तो क्या हुआ, 5 e टू द पावर 5x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 5x, वही लिखा है हमने। ओके, पहले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हम 5 को वहां पर लेकर डिवाइड कर देंगे एंड डी बाई डी एक्स को पहले पोजिशन पे रख देंगे, क्या निकल कर आया, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 5x इज इक्वल टू 1 बाई 5 e टू द पावर 5x। ओके, इज दैट क्लियर।